Well, good morning once again. I think it's visible. Good morning, sir. A very good morning. Visible hai? Anji, sir. Yes. All right, so let's start the training laws because we have not done this. हमने एक बार वैसे पहले भी किया है लेकिन एक बार इसको आज फिर से कर लेंगे क्विक रिव्यू हम करेंगे और पॉलीमॉर्फिजम्स दी pseudomorphism polytypism ये सारी चीजें भी हम देख लेंगे आज ठीक है सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रेनिंग्स सो सिंपली इफ विल डिफाइन अ ट्रेनिंग दैट मींस सिंपली अ सिमेट्रिकल इंटरवल ऑफ अ क्रिस्टल्स दे कॉल्ड अ सिंपली ट्विन क्रिस्टल्स And this happens why? Because sometime during the growth of a crystal, or if a crystal is subjected to stress, bole to sidha pressure, temperature, condition different from those jisme wo originally form hua hai, usse alag agar hoti hai, to ek dusra crystal jo hai saath mein agar form ho jata hai, jaise ki aap yahan pe dekh rahe ho, let's say upper crystal was supposed to form here, all right? To hamara hua kya ki niche ka crystal ek saath mein aur form ho gaya. उसी conditions पे जो कि अलग थी किससे original condition पे जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि quartz के लिए हमारे को 650 degree celsius temperature चाहिए just I'm taking an example it's not the complete things तो हम बात करें 600 degree celsius और 5 kb पे quartz जो है crystallize होता है well developed ठीक है तो वो एक ideal conditions है तो उससे अलग conditions पे like अगर उससे अलग conditions होती है और उसपे crystallization होता है तब उसके साथ एक और क्रिस्टल साथ में उसी सेम प्लेन पे बन सकता है सिमेट्रिकल फैशन में जैसे कि ये है अगर हम इसको दोनों को कट करें तो एक मिरर प्लेन हमारे पास आ जाता है तो इसको हम बोलेंगे क्या आपका ट्विनिंग्स ठीक है सो ट्विन प्लेन का मतलब क्या हुआ रिफ्लेक्शन अक्रॉस ए मिरर प्लेन जैसे कि हम पीछे जाएंगे यहाँ पे देखेंगे अगर इसको हम प्लेन ले लें जिससे कि रिफ्लेक्शन आ रहा है मिरर प्लेन के बीच में तो दैट विल बी ट्विन प्लेन ऑलराइट रोटेशन अबाउट एक्सिस ऑफ लाइन इन द क्रिस्टल दैट विल बी अबाउट ट्विन एक्सिस अगर हम रोटेट करें या फिर किसी अलोंग एक्सिस के या फिर किसी लाइन के अलोंग और हमें सिमेट्री मिलेगा सिमेट्री का ध्यान रखना है ये सिमेट्री से रिलेटेड है एज वी हैव स्टडीड इन द stereographic projections or the symmetry elements for the 32 classes you might be remembering that yani hum ek axis ke along rotate karate the jitne bar face rotate hota to utna force symmetry hota tha yahan pe number of four of symmetry will not be there generally do bar hoga all right so inversion through a point tisra reason ye ho sakta hai tisra jo hai terminology jo hai is twin center agar hum inversion kare kisi point ke through aur upar aur niche we'll see ऊपर और नीचे अगर हमारे को दोनों जगह जो है मिले जैसे कि हमने इसको इन्वर्ट किया तो ऐसा फेस जैसा ऊपर फेस है वैसा ही फेस नीचे भी है तो दिस विल बी अवर ट्विन सेंटर ठीक है ये समझ में आया सो नाउ कमिंग टू द सरफेस अलोंग विच द लैटिस पॉइंट आर शेयर्ड इन अ ट्विन क्रिस्टल आर कॉल्ड एज कंपोजिशनल सरफेस जैसे कि हमने पीछे भी देखा था जिसमें लैटिस पॉइंट पूरे के पूरे शेयर्ड हो तो कंपोजिशनल प्लेन और ट्विन प्लेन कभी कभी कोइंसाइड कर सकते हैं लेकिन है दोनों अलग अलग ठीक है अगर लैटिस पॉइंट से बात करें हम तो और अगर हम खाली प्लेन की बात करें जिससे हमें दो पार्ट दिख रहे हैं तो दैट विल बी अवर ट्विन प्लेन इज इट क्लियर होप आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम नाउ कमिंग टू द ट्विन लॉस सो ट्विनिंग लॉस के बारे में ही हमने बात करना है सबसे पहले हम समझ लेंगे कि हम डिफाइन कैसे करते हैं सिंबल हम या तो ये जो इंटरमीडिएट ब्रैकेट होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट इसमें हम दिखाते हैं या फिर अगर डायरेक्शंस दिखानी होगी ट्विन एक्सेस के साथ तो हम ट्विन एक्सेस के साथ इसको भी दिखा सकते हैं ध्यान रखना ट्विन प्लेन होगा तो ऐसे होगा या फिर जोन के फॉर्म में जोन यू नो ऑल वेरी वेल वी हैव डिस्कस ऑलरेडी दैट एंड उसके लिए हम सेपरेट क्लास बनाएंगे अगर बनाएंगे ठीक है सिंबल To define the directions of twin axis. उसके लिए हम ऐसे ये वाला यूज करेंगे तो कहीं कहीं पे जैसे कि कार्ल्स बार्ड मेन बाच जो ये लॉज हैं उसको जब हम पढ़ेंगे यू विल सी कि समटाइम यू आर गेटिंग क्लोज ब्रैकेट एंड समटाइम यू आर गेटिंग कर्ली ब्रैकेट तो ध्यान रखना जब कर्ली ब्रैकेट होगा तो दैट विल बी अवर ट्विन प्लेन्स एंड इफ इट इज हियर दैट विल बी ट्विन एक्सिस
Getting my point or not? Twin axis along which we are rotating and we're getting symmetry. All right. So origin of twinning, how origin of twinning is taking place. It forms due to the transformation, due to the deformation, or due to the growth. We will be taking individually one by one. All right. So let's come into this transformations. It occurs when pre-existing crystal undergoes transformation due to the जैसे कि आपको पता ही है चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन द प्रेशर्स एंड कॉमनली अकर इन अ मिनरल दैट हैव अ डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट सिमेट्री एट द डिफरेंट टेम्परेचर्स ठीक है हम देखेंगे जैसे कि क्वार्ट्स की बात करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इसमें मिलता है जैसे कि क्रिस्टोलाइट है ट्राइटनाइट हो जाता है कोएसाइट हो जाता है स्ट्रीचोवाइट हो जाता है इस टाइप से मेनली इन द पॉलीमॉर्फिज्म वाले केसेस में ये देखने को मिलता है ऑलराइट व्हेन टेम्परेचर और प्रेशर इज चेंज्ड टू वेयर द न्यू क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स is stable. The different parts of crystal become arranged in a different symmetrical orientations and thus form an intergrowth of one or more crystals. जैसे कि हमारा Dufay और Brazil twinning. In Dufay और Brazil law जो आपको दिखाएंगे अभी उसको भी आप समझेंगे and you'll come to know. Now coming to the similarly the combinations of the albite twinning and periclane in alkali feldspar result from higher temperature sanitine microcline transform the low temperature microcline. जो कि ट्राइक्लिनिक में होता है और उससे हमारे को क्या मिलता है एज ए रिजल्ट वी गेट दैट थर्टन ट्विनिंग इसको हम आगे और एक्सप्लेनेशन में देखेंगे इसको यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है हम आगे इसको देखेंगे ठीक है सो डिफॉर्मेशन ट्विनिंग ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशंस ऑफ एन एटम कैन बी पुश्ड आउट अ प्लेस इफ हैपन टू प्रोड्यूस इन अ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट इट प्रोड्यूसेस अ डिफॉर्मेशन ट्विन्स द मिनरल कैल्साइट कैन बी इजीली ट्विन्ड इन दिस वे प्रोड्यूसिंग अ पॉलीसिंथेटिक ट्विन्स इन ये यहाँ पे मिस हो गया है 0 1 1 bar 2 इसको आप ध्यान रखेंगे फॉर कैल्साइट सिंस इट्स बी बिलोंग टू द ट्राइगोनल डिवीजन ऑफ हेक्सागोनल सो देयर हैज टू बी 4 एक्सिस तो यहाँ पे ये जो 1 के बाद है तो यहाँ पे 1 बार इज लेफ्ट आउट ऑलराइट क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब आप बनाते हैं तो उसमें ये कट जाता है ऑलराइट वेरी माय पॉइंट सो लेट्स से इन द स्टार्टिंग दिस वाज the case but after the deformation what has happened this has been shifted slightly towards this and this remains as it is so what happens in niche wala jo portion hai along a certain plane compositional plane jisko hum bol rahe hain niche wala portion to theek raha but lekin upar wala portion kya hua mud gaya idhar ko so what has happened ek crystal to aise orient hua dusra crystal aise orient ho gaya so this due to this also we can have a different kinds of symmetry which can help us to identify the mechanism of twinning, how it has been found out. All right, getting my point? So let's move to the next, growth twin. Growth twin means normal, simply during the growth. When accident occur during the crystal growth, a new mineral is added to a face of an already existing crystal. Yani, pehle jahan pe crystal tha, uske saath saath ye ek dusra crystal jo hai develop ho gaya. If new, If new crystal shares the lattice point of the faces of existing crystal, but has an orientation different from the original crystal, such as growth twins can be contact twin. अभी हम देखेंगे इसको मतलब contact twinning की बात करेंगे तो that is a type of twinning that we will be understanding later on. That's not a big deal. But लेकिन क्या हुआ पहले से एक crystal था उसके साथ साथ दूसरे crystal की growth start होगी in the same way, in the same fashion as there, because the energy conditions and the temperature conditions. By which twinning growth takes place that was same or similar somewhat all right getting my point to abhi hum dusre pe jayenge types of twinning theek hai types of twinning to do type ka twinning hamare paas mainly hota hai ek hota hai contact twinning dusra hota hai hamara penetration twinning theek hai so this is the main thing here if a planar compositions ऑफ अ सरफेस सेपरेटिंग टू इंडिविजुअल क्रिस्टल जैसे कि ये हो गए है तो एक ही क्रिस्टल तो ये ऊपर वाला क्रिस्टल और नीचे वाला क्रिस्टल अगर जो है हमें सिमिलर दिखता है रिफ्लेक्शन दिखता है जैसे कि हमने मिरर प्लेन ऐड कर दिया एज इन केस ऑफ सिमेट्री ऑलराइट सिमेट्री ऑपरेशन इफ यू रिमेंबर इन द क्रिस्टलोग्राफिक क्लासेस सो ये जो है अगर इस टाइप का ट्विनिंग हमारे पास होता है तो दैट बिकम्स अवर कॉन्टैक्ट ट्विनिंग जैसे कि पॉलीसिंथेटिक लेमुलर ट्विनिंग which is observed in the plagioclase part. वो अभी हम देखेंगे, ठीक है? तो Brevano laws is shown by this 0 2 1. तो ये क्या हो गया हमारा twin plane. तो ये वाला जो plane है, इसके Miller indices क्या है हमारे लिए 0 2 1.
ठीक है ना। अब ये जो कॉन्टेक्ट ट्विनिंग है हमारे पास दो टाइप का हो सकता है, पॉलीसिंथेटिक जैसा कि हमने बताया था, और ये प्लाइग्लोजोक्लेज की डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसा कि हमने मिनरल के स्लाइड में भी देखा था और आगे भी स्लाइड है मेरे पास कुछ, उसमें हम देखेंगे। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? सो इफ कंपोजिशनल सरफेस आर पैरेलल टू वन अनदर तब तो हमारा पॉलीसिंथेटिक हो गया, और इसी को लैमेलर भी बोलते हैं और पैरेलल ट्विनिंग भी बोलते हैं। लैमेलर, पैरेलल और पॉलीसिंथेटिक, ये सारे इसी के नाम है। और इसका ट्विन प्लेन क्या होता है? 0 1 0, ध्यान रखेंगे। साइक्लिक ट्विनिंग, साइक्लिक ट्विनिंग एक अगेन दूसरा जो है इंपॉर्टेंट जो है कॉन्टेक्ट ट्विनिंग है, ये भी कॉन्टेक्ट ट्विनिंग है, लेकिन इसमें एक और चीज होती है, ये स्यूडोजोमेट्री दिखाता है। जैसे कि अगर हमारा अरेगोनाइट को हम ले लेते हैं, अरेगोनाइट हमारा क्रिस्टलाइज करता है किसमें? अरेगोनाइट क्रिस्टलाइजेस इन योर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो लेट्स से ये ऐसे था, ये कोई मिनरल है, सो ये एक ट्विन प्लेन हमारा बना, ये एक और ट्विन प्लेन बना, तो अब ये कैसे हो गया? दिस हैज बीन बेंडेड लाइक दिस, ठीक है। अब इसको अगर हम फिर काट दें, ऐसे कट कर दें, तो हमारे पास फाइनली कैसा डेवलप हो जाएगा? हमारे पास हेक्सागन पैटर्न जो है कंप्लीटली डेवलप हो सकता है। सो ड्राइंग पे कोई कमेंट मत करना कि बहुत बुरी है, क्योंकि माउस से बनाना इज नॉट पॉसिबल। सो अब ये हेक्सागोनल अपीयरेंस हो गया, था किसका? ऑर्थोरोम्बिक का। अब ऑर्थोरोम्बिक में तो अल्फा बीटा एंगल जो होते हैं हमारे, अल्फा बीटा गामा, दे आर 90 डिग्री, बट इन हेक्सागोनल दे आर 60 और आइदर 120। सो दैट इज द डिफरेंस। ये साइक्लिक ट्विनिंग की वजह से स्यूडो सिमेट्री का अपीयरेंस होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट इज मोर और लेस लुकिंग लाइक एज हेक्सागन पैटर्न, बट इट्स नॉट हेक्सागन पैटर्न। हेक्सागन है नहीं ना, क्योंकि ये पहले टूटा, ऐसे टूटा, फिर ऐसे टूटा, तो ये बना, फिर ये बना, फिर नीचे वाला भी बन गया। सो अब क्या लग रहा है? हेक्सागन पैटर्न लग रहा है बाहर से देखने पे, बट इट इज ए साइक्लिक ट्विनिंग। एग्जांपल्स, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हियर, पेनिट्रेशन ट्विनिंग। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी तक देखी वो थी हमारी कॉन्टेक्ट ट्विनिंग। अब हम बात करेंगे पेनिट्रेशन ट्विनिंग की। इट हैज एन इरेगुलर कंपोजिशनल सरफेस सेपरेटिंग टू इंडिविजुअल क्रिस्टल्स। अगर हम देखेंगे तो हमारे जो कंपोजिशनल प्लेन है यहाँ पे, ये तो ट्विन प्लेन इज डिफरेंट, लेकिन कंपोजिशनल प्लेन, अगर आपको पता है कंपोजिशनल मतलब लैटिस टू लैटिस, अगर हम लें तो लैटिस ऑफ लैटिस को हम लें तो ये क्या होगा? इरेगुलर हो जाएगा। तो इरेगुलर अगर है तो उसको हम बोलेंगे पेनिट्रेशन ट्विनिंग। दीज आर डिफाइंड बाय द ट्विन सेंटर, और ट्विन सेंटर इसमें प्रेजेंट होता है जैसा कि हमने पहले भी दिखाया था, और आइदर ट्विन एक्सिस, और ऑर्थोक्लेज में ये दिखता है जो कि कार्ल्सबर्ट लॉ को दिखाता है 001। अब ये क्या हो गया? ट्विन एक्सिस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इट्स नॉट अ प्लेन, इट्स अ ट्विन एक्सिस। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हियर, कमिंग टू द ट्विन लॉज ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? आइसोमेट्रिक सिस्टम से, जिसको हम बोलते हैं आपका टेसरल, रेगुलर और क्यूबिक, आइसोट्रॉपिक, ये सारे नाम है क्यूबिक सिस्टम के और आइसोमेट्रिक सिस्टम के। तो इसमें तीन लॉ हमें मिलने मिलते हैं। एक स्पाइनल लॉ मिलता है जो कि हमारा स्पिनल मिनरल दिखाता है, MgAl2O4, दिस इज अ कॉमन फार्मूला, एंड इट इज शोन द ट्विन प्लेन इज पैरेलल टू एन ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन प्लेन के पैरेलल आपको मिलेगा। जैसे कि ये ऑक्टाहेड्रॉन है हमारा, और इसके पैरेलल ही आपका ट्विन प्लेन रहेगा, तो हमारा स्पिनल लॉ हम उसको बोलेंगे कि दैट वाज स्पिनल। If it is parallel, getting my point? Remember, if it is parallel, then it's a spinal law. If it's not parallel, it's perpendicular to octahedron, then the symbol will become 111. यहाँ पे minus का जो मतलब है, जो minus मैंने लगाया है, क्योंकि bar was not possible for me to insert in the PPT. तो मेरे से नहीं insert हो पाया, मैंने दूसरी चीज use नहीं करी, but लेकिन हाँ, next time I'll try with the different things. So ये one bar one. इसको आप ध्यान रखेंगे। आयरन क्रॉस, इट इज शोन बाय पाइराइट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, आईआईटी जैम हो या गेट हो या नेट हो या बीएचयू का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको ये ट्विनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आप समझ लीजिए कि इसमें होता क्या है कि आपको मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दिखते हैं। उसमें क्या करना होता है आपको?
one side mineral is given, another side the twinning laws is given. I mean, which twinning law is belonging to the minerals? So iron cross is shown by pyrite. Isko bhi aapko dhyan rakhna hai. And shows often the iron cross made for interpretation of two pyritohedrons. Pyritohedron has how many faces? 24 faces. Since occur in the class 2 by m with no fourfold rotation axis and the 001 twin axis give the mineral appearance to the fourfold symmetry about the three perpendicular axis. Getting my point or not? Three perpendicular axis hamare ko isme milenge. Now coming to tetragonal. Tetragonal mein jo jitne bhi maximum hote hain usme twin plane kya rehta hai? 0 1 1. Yehi aapko maximum twin plane milega. Isko aapko dhyan rakhna hai. The mineral rutile ki agar hum baat karte hain aur cassiterite, TiO2 and SnO2, ये दो common mineral है जो कि एक इस type से दिखाता है, एक इस type से दिखाता है, ठीक है? Rutile, cassiterite है similar ही, बस एक में इधर bending हो गया, एक में वो lateral हो गया. So that's what we have to remember. And this was for iron cross twinning, ऐसे आपको दिखता है, ठीक है? और triangular pits भी आपको दिख रहे हैं इसमें. So triangular pits bhi jo hai pyrite dikhata hai, dhyan rakhna ye triangular pits type ke aapko dikh rahe hain isme, that can be also galena bhi dikhata hai, theek hai? Is it clear? Let's move to the next. Hexagonal crystal system. Hexagonal ke do hi mineral hai main, ek calcite, dusra aapka quartz. So calcite twinning laws ये हैं आपके, और क्वार्ट्ज के लिए हम सेपरेटली देखेंगे. सो द टू मोस्ट कॉमन मिनरल दैट आर ऑब्जर्व्ड इन कैल्साइट आर दो लॉज होते हैं. वन इज 0001 एंड रोम्बोहेड्रॉन व्हिच इज बाय 0 1 1 बार 2. बोथ आर कॉन्टैक्ट ट्विन्स, बट 0 1 बार 1 2 ट्विन्स कैन अकर एज पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में दिखा था. रिजल्ट फ्रॉम द डिफॉर्मेशंस ट्विनिंग प्रोसेसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन एंड क्रिस्टल ग्रोथ, दीज वर थ्री थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर स्लाइड, जिसमें कि हमने बताया था कि ओरिजिन ऑफ ट्विनिंग होता कैसे है, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? अगेन कमिंग टू द क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के ये 7 लॉज मिलते हैं. So they are very important. Brazil law, 1 1 bar 0 is perpendicular. Oh, sorry, it is a penetration twinning. Result from the transformation. ये भी किससे result होता है? Transformation से. Brazil, Diffin, दोनों के दोनों transformation से बनते हैं और दोनों ही penetration twinning है. जबकि Japanese ये रहा हमारा, देखो Brazil और Diffin दोनों जो है आपके penetration twinning के हैं. और दोनों के दोनों जो है आपके दे आर रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. एंड दिस इज जापानीज लॉ. हियर हाउ दिस इज फाउंड, आपके डिपार्टमेंट में आई डोंट नो कि वेदर इट इज कैप्ट ओवर देयर और नॉट, बट लेकिन अगर आपको मिलेगा देखने को तो यू कैन सी. बट हाँ, इस टाइप से ही आपको दो क्वार्ट्ज के क्रिस्टल दिखेंगे, और इस टाइप से अगर आपको दिखे तो डिफेन एंड ब्राजील लॉ विल बी देयर. सो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो ट्राइंगुलर पिट्स हैं दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स, एंड हियर they're pointing away. So if they're pointing towards, that is a Brazilian law. While if opposite, it is Diffin law. So you can see the difference here as well. Now coming to Lisbeth's or combined law is also there for the quartz. Estrella law, Sardinia law, and Brathwaite law. In case twin axis or twin plane, which I mere nahi, and I would not explore that much. आप इसको एक बार बुक्स में देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, या फिर नेट पे आपको अगर कोई अच्छा मटेरियल मिल जाए तो उस पर भी आप देख सकते हैं. गेटिंग माय पॉइंट नॉट? सो दिस वाज क्वार्ट्ज. लेकिन क्वार्ट्ज को मैच द कॉलम में आपको ध्यान रखना है. ब्राजील, ड्यूफेन, जापानीज, लिस्बिच और कंबाइन और एस्ट्रल, सार्डिनल और थैप्लो, ये सारे किसके हैं? क्वार्ट्ज के हैं. नाउ कमिंग टू ऑर्थोरोम्बिक, इसमें आपको मिलता है साइक्लिक ट्विनिंग, जैसा कि मैंने बताया. शूडो हेक्सागोनल अपीयरेंस दिखाता है, ट्विन प्लेन विल बी दिस.
एंड स्टेरोलाइट लॉ. स्टेरोलाइट लॉज में अब ये रहा आपका साइक्लिक ट्विनिंग, यहाँ पे हेक्सागोनल अपीयरेंस दिखा सकता है. बात करें हम किसकी, स्टेरोलाइट लॉ की, तो स्टेरोलाइट मिनरल दिखाता है, स्टेरोलाइट ही दिखाता है. और अगर 90 डिग्री आपका रहेगा तो आपका ऐसा रहेगा, और इसके लिए जो ट्विन प्लेन होगा 031 रहेगा. व्हाइल इफ इट इज 60 डिग्री पेनिट्रेशन, दोनों पेनिट्रेशन ट्विनिंग है, तो इट विल बी सिंपली 231. दिस इज अ कॉन्टेक्ट ट्विनिंग, जैसा कि आप सिंपली देख पा रहे हो, एंड दिस इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्विनिंग. क्रीमी पॉइंट ऑन मोनोक्लिनिक. नाउ कमिंग टू मोनोक्लिनिक, और मोनोक्लिनिक इज मेनली फुल ऑफ द प्लेजियोक्लेज मिनरल्स. प्लेजियोक्लेज में भी एल्कली फेल्डस्पार, जो कि पोटेशियम फेल्डस्पार हमारा ज्यादा मिलता है आपका मोनोक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक में आपको प्लेजियोक्लेज ज्यादा मिलता है. तो इधर जितने भी लॉ की हम बात करेंगे, दे विल बी मोस्टली शोइंग द फॉर के फेल्डस्पार एंड इन ट्राइक्लिनिक फॉर प्लेजियोक्लेज फेल्डस्पार. गेटिंग अप मीन बैक, दिस इज ट्विन प्लेन एंड दिस इज ट्विन एक्सिस. ब्रेवानोस लॉ एंड जिप्सम minerals, you might be remembering that it is a normal class or holohedral form of the monoclinic system. So maximum symmetry is possessed by this. So here it is the gypsum swallowtail twinning is shown by here. All right, and this is shown for your Karlsbad, and this is for Brevano, and this is for main bag. So remember how to find out this. Simple. और ट्राइक्लिनिक की हम बात करें तो एल्वाइट और पैराक्लिन दो टाइप के लॉ मिलते हैं. एल्वाइट लॉ पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग, कॉन्टैक्ट ट्विनिंग ये रहा. और जब एल्वाइट लॉ और आपका पैराक्लिन लॉ दोनों का जो मिक्सचर होता है, दैट रिजल्ट्स टू द टार्टन ट्विनिंग. और टार्टन ट्विनिंग इज अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोक्लीन, जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर दैट. रेडी मै पॉइंट. नाउ कमिंग टू दिस एल्बाइट, मेनली शोन बाय द प्लेजियोक्लेज. एल्बाइट टू एनोर्थाइट सीरीज, कंप्लीट सीरीज शोस दिस. एल्बाइट पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग, द ट्विन लॉ इज 010 एंड इंडिकेट्स दैट द ट्विनिंग अकर परपेंडिकुलर टू द बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, एज दिस वन इज हियर. रेडी मै पॉइंट. दिस इज ट्विन. अब मुझे बताएंगे Nidhi, can you tell me one thing? What this is representing? यहाँ पे 010 क्या है? दोनों का सेम है, सिंबल ऑलमोस्ट, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? पता नहीं सर. सुरभि, एक में डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन डिफाइन, और दूसरे में नहीं. किस में डायरेक्शन, एल्बाइट लॉ में या पेरिक्लाइन में? पेरिक्लाइन में. पेरिक्लाइन में डायरेक्शंस है, और एल्बाइट में क्या है? एल्बाइट में सिर्फ ट्विन प्लेन होगा. यस, इट्स अ ट्विनिंग प्लेन. इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एंड हाउ टू गेट दिस. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? All right, now coming to the polymorphism. This is again an important topic for gate, IIT-JAM and all types of competitive examinations. So I didn't want to discuss about the which type of examination, but yes, sare type ke examination ke liye ye bhi ek important topic rehta hai, mineralogy ka. The stability of the crystals, generally referred in terms of energy and the crystal structures. In general terms, we can thought as of the bond strength, which is we call as enthalpy or entropy, degree of order or randomness of the structures. In general, the structures with a low energy is more stable at any given temperature and pressure. इसको आप नोट कर लें, क्योंकि यही आपको आगे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. आई विल डिस्कस इन ऑल द काइंड्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन. जब भी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे वाले 2-3 स्लाइड के लिए.
Lowest energy is most stable at any given temperature and pressure, and the rate of transformations. Rate of transformation, if it is low, then it is stable. If it is high, then it is metastable or unstable. Is it clear? So abhi hum dekhenge jo hum baat kar rahe hain iski. Dekho, teen type ka transformation hamara hota hai. Yani polymorphism ke jo hai teen चीजें होती है. पॉलीमॉर्फिज्म का ही मतलब है मेनी फॉर्म. एक केमिकल कंपोजिशन, बहुत सारे अपीयरेंस, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन एक ही है लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग है और अपीयरेंस भी क्या है अलग अलग है. केमिकल कंपोजिशन सेम है तो मेनी फॉर्म्स मिनरोलॉजी में जो है इसका मतलब ये होता है. तो ये किस किस के वजह से हो सकता है? रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, जिसमें की एग्जाम्पल होता है हमारा डायमंड और ग्रेफाइट. ठीक है, डिस्प्लेसिव हो सकता है, जिसमें कि हाई क्वार्ट्ज और लो क्वार्ट्ज की हम बात करते हैं विद एग्जांपल और हाउ इट हैपेंस वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट स्लाइड. ऑर्डर एंड डिसऑर्डर में हमारा के फेल्सपार आता है, जिसमें के फेल्सपार की बात करें तो ऑर्थोक्लेज, सेनेडीन, डी माइक्रोक्लीन, ये तीन चीजों की हम बात करते हैं. सो अगर हम इस ग्राफ को देखें सही से, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया, सो फॉर्म वन एट लोअर इन टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड एनर्जी कंडीशंस. And if energy condition and temperature is increasing, it is resulting into the another form. Transformation is taking place at this place. Again, at a certain temperature, as energy is increasing. Once energy is increasing, so form is changed. Or jaise hi form change hui, that is becoming stable at the slightly higher temperature. Remember, when there is a change in the form or the transformations, the energy is increasing. Energy is slightly increasing. Yahan pe bhi dekho, yahan pe dekho. तो एनर्जी जब इंक्रीज हो रही है तो आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है. डिफरेंट फॉर्म्स आर अराइजिंग फ्रॉम दिस. क्या कुछ विजिबल है या नहीं? कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट. इज इट विजिबल नाउ? नहीं विजिबल है. Wait a minute. The connection lost ho jata hai ekdam se. All right, is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. All right. So displacive transformation ki hum baat kar rahe the. There was three type. Reconstructive, displacive, and order disorder. So starting from the displacive, it involves the small adjustment. Remember, it involves the small adjustment to the crystal structures, generally no bones are broken. Remember, in the displacive transformation, no bones are broken, but the angle between the atom may change slightly. The angle which was earlier may changes up in the next one, which is little rearrangement. But there is a little rearrangement. Displacive transformation involves no change in the energy. जैसे कि हम पीछे देख सकते हैं, displacive transformations. Wait a minute. Yes, here. As we could see here, there was a change in the energy, and if you'll see this, the transformation is taking place, but there is no such change in the energy as we could see here, the steeper one. Slightly, gradually, not that much. And my point, two change to hai, itna zyada nahi hai. So little change hota hai. No change in the energy at the transformation temperature or the pressure, and the transformations are instantaneous and reversible. Thus, no unstable polymorph will occur. All will be stable. तो कोई भी unstable polymorph बनेगा नहीं, stable रहेंगे. For example, at one atmospheric pressure, the high quartz alpha quartz, जिसको हम बोलते हैं high quartz, is a stable form of quartz above 580 degrees Celsius. And when this quartz is bowed to the temperature below 580 degrees Celsius, it immediately transforms to the low quartz, that is beta quartz. Thus, the high quartz is never seen in the rock at the surface of Earth. Remember this thing. इसीलिए आपको मिलेगा नहीं. Might be ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ये नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. सो यू हैव टू नो दिस. ऑलराइट, नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्टिव. इट इन्वॉल्व्स
एक्सटेंसिव रीअरेंजमेंट, उसमें स्मॉल था इसमें एक्सटेंसिव है, ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड रिक्वायर ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड रिजेंबलिंग एटम्स इन द डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स लार्ज चेंज इन द एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर्स व्हिच अकर व्हिच मोस्ट अकर एट द ट्रांसफॉर्मेशन टेंपरेचर ऑफ द बैचेस. Because of the extensive rearrangement involved, the rate at which this type of transformations occur may be very slow. If the rate of transformation is very slow, unstable polymorphs may exist for a longer period of time. Agar slow hai, to longer period of time ke liye rahega. Agar rate of transformation is high, to shorter period of time ke liye rahega aur unstable hi rahenge. Theek hai? For example, diamond is, देखो constructive, reconstructive में example क्या आ गया, diamond is made a stable polymorph of carbon at a pressure or temperature at present of earth surface. Yet, हम लोग बोलते हैं कि diamond forever है, but it's not really, because अगर हम बात करें इसका जो rate of change है, that is slow. अब slow है इसीलिए unstable form जो कि high temperature पे और pressure पे बनी है वो लोअर टेम्परेचर और प्रेशर पे फिर भी क्या है, स्टेबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ रीकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन. रीकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या मिल रहा है, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी स्लो. इसीलिए ग्रेफाइट को डायमंड बनने में बहुत टाइम लगता है और डायमंड से ग्रेफाइट बनने में भी बहुत टाइम लगता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे. अगर आप टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बनाओगे तो दैट इज डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, इसलिए आपको अर्थ सरफेस पर डायमंड आप यूज करते हो और देखते हो कि दैट इज स्टेबल, क्योंकि क्या है मेन रीजन, ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी स्लो. नाउ कमिंग टू ऑर्डर एंड डिसऑर्डर. ऑलराइट, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो वी विल सी इन दिस इज दिस इन्वॉल्व द स्टेट ऑफ ऑर्डर और डिसऑर्डर इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. परफेक्ट ऑर्डर कैन ओनली अकर एट द टेम्परेचर of absolute zero, जिसको कि हम बोलते हैं -273 degree Celsius. As temperature increases, the degree of order and randomness of a crystal, degree of order and randomness, remember this, we are talking about the entropy of the crystal structure decreases, so that the higher temperature form of a mineral are more disordered than the lower temperature forms. Okay? Because of the state of the order, disorder changes gradually with increasing temperature. There is no definite temperature at which transformations occur. क्योंकि ये बहुत gradually होता है, तो इसलिए हमें नहीं पता चल पाता कि किस जगह पे changes आ रहे हैं, transformation हो रहा है order और disorder. For example, अगर हम बात करें polymorphic transformation that involve order or disorder. कंपाउंड ऑफ के एएलएस I3O8 मतलब कि ऑर्थोक्लेज सैनेडीन और माइक्रोक्लिन की बात करी जा रही है, एट हायर टेंपरेचर्स स्टेबल फॉर्म इज सैनेडीन जो कि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में होता है. लोअर टेंपरेचर चेंजेस वन ऑफ द ऑर्थोक्लेज, जैसे टेंपरेचर कम होगा ऑर्थोक्लेज में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कब होगा नहीं पता, ग्रेजुअली होता है. और ऑर्थोक्लेज भी क्या रहता है, मोनोक्लिनिक, लेकिन अपीयरेंस दोनों का अलग अलग है. एट इवन लोअर टेंपरेचर द सर्फेस बिकम्स मोर ऑर्डर्ड. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोक्लिन स्ट्रक्चर चेंज रहता है, ये किस में हो जाता है, माइक्रोक्लिन बोले तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में चले जाता है. ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट देन. स्यूडोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म खत्म, नाउ कमिंग टू द स्यूडोमॉर्फिज्म. इट इज द एग्जिस्टेंस, अभी मतलब स्यूडोमॉर्फिज्म की बात करें तो अपीयरेंस किसी का, केमिकल कंपोजिशन अंदर किसी और चीज की, तो जैसे कि हम बात करें कैल्साइट या बात करें ऑरेगोनाइट. अब ऑरेगोनाइट की केमिकल कंपोजिशन क्या है, CaCO3. ठीक है, अब कैल्साइट की भी क्या है, CaCO3, लेकिन अपीयरेंस क्या होता है इसका, ऑरेगोनाइट का, दैट इज अवर ऑर्थोरम्बिक, लेकिन कैल्साइट का क्या होता है, ट्राइक्लिनिक, इस टाइप से. या फिर अगर मैं बात करूं लेट्स से फॉस्फेराइट की, अगर मैं बात करता हूं फ्लोराइड, तो फ्लोराइड आपका क्यूबिक है. केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग तो हमारा क्रिस्टल सिस्टम क्या रहा है, क्यूबिक आ रहा है, लेकिन किसी भी कारणवश जो हमारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से स्यूडोमॉर्फिज्म होता है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन, क्रस्टिफिकेशन,
ठीक है, तो इनके वजह से क्या होगा कि अपीयरेंस अलग आ जाए, तो वो हमारा हो जाएगा स्यूडोमॉर्फिज्म, क्योंकि दिख रहा है। ठीक है, so pseudomorph that means false form, pseudomorphism occur in minerals of alter in such a way that internal structure and the chemical composition is changed but the existence form is preserved. Three mechanism of the pseudomorphism are substitution. जैसे कि हम बात करेंगे, chemical constituent are simultaneously removed and replaced by the other chemical constituent during alteration. An example is replaced of the wood fiber. जैसे कि petrification की हमने बात करते हैं, petrification आपने सुना होगा कि अगर क्वार्ट्ज से पेट्रिफिकेशन हो रहा है तो मतलब अपीयरेंस तो किसका रह रहा है, वुड का ही रह रहा है, दिख तो बाहर से कैसा रहा है, वुड रहा है, लेकिन अंदर तो क्वार्ट्ज आ गया है, क्योंकि कंप्लीट रिप्लेसमेंट यानी सब्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन प्लेस। सो दिस इज स्यूडोमॉर्फिज्म। अपीयरेंस किसका आ रहा है, लकड़ी का, अंदर क्या है, क्वार्ट्ज, दैट कुड बी। और जैसे कि मैंने क्या बोला, कंपोजिशन क्या है, जैसे कि हमारे पास कुछ हेक्सागोनल था, अंदर क्या हो गया, फ्लोराइड बन गया या पायराइट बन गया, और बाहर जो है किसी और का फॉर्म ही है अभी तक, यानी चेंज नहीं है, फॉर्म चेंज नहीं हुआ बाहर से, लेकिन केमिकल कंपोजिशन जो है रिप्लेस हो गई, सब्स्टिट्यूशन की वजह से हो सकता है, या फिर एनक्रस्टिफिकेशन ड्यूरिंग द अल्ट्रेशन प्रोसेस, अ थिन क्रस्ट ऑफ न्यू मिनरल फॉर्मड ऑन अ सरफेस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मिनरल, देन द प्री एग्जिस्टिंग मिनरल इज रिमूव्ड लीविंग द क्रस्ट बिहाइंड, वी से दैट द स्यूडोमॉर्फिज्म हैज रिजल्टेड फ्रॉम द एनक्रस्टिफिकेशन, एनक्रस्टाइजेशन, या बोले तो सिंपली यानी आपका नया मिनरल बन रहा था तो पुराना मिनरल तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो नए मिनरल की लेयर